हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समझेंगे सेफ्टी बल्ब के बारे में, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर सेफ्टी बल्ब के बारे में। उसका लगाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसका बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो ये हमारा सेफ्टी बल्ब है, इसी पोजिशन में लगता है, ये एरो आप दिख रहे हैं, इसी पोजिशन में लगता है और इसको इनलेट में लगाया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, इसका बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। इसका फ़ायदा भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। ये नहीं लगाने से बहुत नुकसान है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये इनलेट में लगता है, इनलेट हमारा जो कोल्ड वाटर सप्लाई है उसमें लगता है, यही पोजिशन में लगता है। ये इसका ड्रेन पॉइंट है और इसको इनलेट में लगाया जाता है। इसका काम क्या है कि आपको जैसे 10 फ्लोर का, 15 फ्लोर, 20 फ्लोर का बिल्डिंग है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये प्रेशर को कम करके भेजता है। इसमें सिस्टम ये लगा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको, प्रेशर को कम करके भेजता है ये। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल कंपनी का हीटर है तो फटे ना, लीक ना हो टैंकी, इसीलिए प्रेशर को कम करके भेजता है। और इसका दूसरा और इसका नुकसान ये है, अगर आपका हीटर में सेफ्टी बल्ब नहीं लगा हुआ है, उस कंडीशन में अगर कोई हीटर ऑन कर देता है और पानी जब खाली हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमारा हीटर का पानी ख़त्म हो जाएगा, तो इसका एलिमेंट ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी है। और लगाने का फ़ायदा है, थर्मोस्टेटिंग अगर हमारा हीटर में काम करना बंद कर देता है, उसमें दो लगा होता है वाटर हीटर में थर्मोस्टेटिंग बल्ब, अगर एक बंद कर देता है काम करना या ख़राब हो जाता है तो दूसरा थर्मोस्टेटिंग कंट्रोल करता है। अगर वो भी ख़राब हो जाता है तो हमारा क्या होगा, पानी हमेशा उबलते रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से हमारा जो ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा पानी रिलीज हो जाएगा। वो छोटा पॉइंट आपको दिख रहा है, वहाँ से रिलीज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं अब कैसे लगाना है और क्या कंडीशन में लगाना है इसको। तो ये हमारा येरो का निशान जो आपको दिखा, पहले दिखा है, अभी भी दिखेगा, येरो का निशान जो है उस कंडीशन में लगाना है, कोल्ड सप्लाई में लगाना है। और ये छोटा पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से पानी रिलीज होगा, ये हमारा रिलीज पॉइंट है। इसमें एक ट्यूब लगा देना है और जैसे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका हीटर का तो पानी ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। अगर थर्मोस्टेटिंग बल्ब काम करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन में ये रिलीज हो जाएगा, टैंक को फटने नहीं देगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से दबाव पड़ेगा, आप देखिए वहाँ से मैं दिखा रहा आपको, पुश करके दबाव बढ़ेगा, हीट ज़्यादा पानी होगा तो दबाव बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में आपको लगाना है, इसे सीधा रखे और ये देखिए इधर से जैसे हम पुश करेंगे, जैसे हमारा हीटर में पानी का हॉट का प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। ये हमारा इनलेट है, पानी प्रेशर में जाएगा तो प्रेशर में नहीं जाने देगा, प्रेशर कंट्रोल करके भेजेगा वो। ये हमारा इनलेट पॉइंट है और ये हमारा हीटर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिक दब जाएगा और ये पानी रिलीज हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद रिलीज हो जाएगा, जैसे कि एलिमेंट ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में। और ये छोटा वाला आपको ये दिख रहा है, ये हमारा रिलीज पॉइंट है, इधर ही से रिलीज होगा पानी।